हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज़ आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या है ये? मैं हमेशा लग्जमबर्ग के बारे में बोलता हूँ, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या है ये? एक बार थोड़ा जूम कर लूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन टू स्टे फॉर अ फॉरन नेशनल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता दिया है क्यों आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लग्जमबर्ग में काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, जहाँ भी आपको बांधनी है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन टू स्टे फॉर अ थर्ड कंट्री नेशनल इन व्यू ऑफ सैलरीड एक्टिविटी, इन व्यू ऑफ सैलरीड एक्टिविटी, मतलब अगर आप वहाँ काम करने जा रहे हैं लग्जमबर्ग में, तो आपके पास ऑथराइजेशन टू स्टे 100% होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं थर्ड कंट्री नेशनल हैं, हम जो इंडियंस हो गए, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के दोस्त हैं, वो इनको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, आप देख सकते होंगे यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेप है, ठीक है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, ठीक है, और उसके बाद स्टेप नंबर थ्री क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस करके आता है, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये तीन स्टेप क्या हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, देखिए, बिफोर कंसीडरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ थर्ड कंट्री नेशनल द एम्प्लॉयर मस्ट डिक्लेयर, मतलब अगर आप एक जेन्युइन जॉब ढूंढ रहे हैं लग्जमबर्ग में, तो जो एम्प्लॉयर है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको लग्जमबर्ग के लेबर मार्केट में अपनी जॉब वैकेंसी दिखानी पड़ती है। मतलब उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि जिस जॉब के लिए वो आपको हायर कर रहा है, फॉरेन नेशनल को हायर कर रहा है, उस जॉब के लिए उसको लग्जमबर्ग में कोई भी सुटेबल मिला नहीं, यूरोपियन यूनियन में कोई सुटेबल मिला नहीं, ये उसको लिखित में सबमिट करना पड़ता है। जब ये सबमिट होता है, उसको वहाँ का लेबर मिनिस्ट्री देखती है, प्रोसेस करती है, उसके बाद आपका टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन ऑफ स्टे इशू होता है। इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है, आप सोच लीजिए, अगर आपके पास नहीं है ये तो आप नहीं घुस पाएंगे, ठीक है। और देखिए, इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि इससे एम्प्लॉयर की आपको जेन्युइननेस, मतलब कि एम्प्लॉयर कितना सिंसियर है, एम्प्लॉयर आपके साथ कितना टिका रहेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलती है। क्योंकि देखिए, जब तक एम्प्लॉयर डिक्लेयर नहीं करेगा आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, एप्लीकेशन क्या होता है, द थर्ड कंट्री नेशनल मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ इमिग्रेशन, द एप्लीकेशन मस्ट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या लगाना होता है, ये देखिए, ये जनरली आपका एम्प्लॉयर करता है आपके बिहाफ पे। अगर आप जॉब अपने आप ले रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको करके देगा, अगर आप एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो एजेंट और एम्प्लॉयर मिलकर आपको करके देंगे। इस चीज़ को समझिएगा, अपने आप ले रहे हैं तो एम्प्लॉयर करके देगा, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको एजेंट और एम्प्लॉयर मिलकर आपको देंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। एक बार मैं थोड़ा अपना फ्रेंड्स इसका ब्राइटनेस कम कर लूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी क्या क्या चीज़ें हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, सारे पेजेस होने चाहिए, जो उसमें वीज़ा आपके लगे हैं उसकी कॉपी, ठीक है, आपका PCC होना चाहिए, ठीक है, और कॉपी ऑफ इस डिप्लोमा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वो पक्का रखिएगा, उसमें कॉपी ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो, ठीक है, और उसमें लग्जमबर्ग लेबर लॉ का ठप्पा कि भाई हाँ ये अब लग्जमबर्ग लेबर लॉ, ये देखिए लग्जमबर्ग लेबर लॉ का ठप्पा होना चाहिए। क्यों ठप्पा होना चाहिए, तो और जूम कर दिखाता हूँ, ये देखिए लग्जमबर्ग लेबर लॉ, ब्राइटनेस बढ़ जाती है फ्रेंड्स, क्या करूँ, ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाती है आजकल हम लोग, देखिए फ्रेंड्स, इतना अपने को आइडिया है नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ आप तक। लग्जमबर्ग लेबर लॉ का ठप्पा होना चाहिए, ठीक है, ठप्पा इसलिए होना चाहिए कि भाई लेबर लॉ ने चेक कर लिया है कि ये जॉब जेन्युइन है, सब कुछ चेक करके आई है, हमारे लग्जमबर्ग वाले किसी नागरिक को नहीं दिया, इसलिए फॉरेन नेशनल को ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल रीसेंट सर्टिफिकेट इशूड बाई द एजेंट्स फॉर ली डेवलपमेंट दी एम्प्लॉये, ये क्या होता है आपका, ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये होती है आपकी ADEM लग्जमबर्ग, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है ये, ठीक है, ये एक तरह से आपका जो जॉब सब देखता है वही देखता है लग्जमबर्ग में, ठीक है, इसका भी क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी जब होती हैं आपके पास, ठीक है, देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश में नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में होते हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। थर्ड होता है आपका इंपॉर्टेंट नोटिस, द ऑथराइजेशन टू स्टे फॉर सैलरीड वर्कर्स ग्रांटेड फॉर वन प्रोफेशन, एक बार एक ही प्रोफेशन के लिए मिल सकता है। देखिए,
तो ये हो गया आपका टेम्प्रेरी ऑथोराइजेशन के बारे में। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट फ्रेंड चाहिए, इसको आपको जानना है इसके बारे में, टेम्प्रेरी ऑथोराइजेशन के बारे में, तो आप ये डॉक्यूमेंट मुझसे ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आइए, हाय भेजिए और बोलिए कि सर हमें टेम्प्रेरी ऑथोराइजेशन स्टे वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको फ्री में दे दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फ्रेंड देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको पढ़िएगा जरूर। अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं इसको प्लीज़ पढ़िएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। प्लीज़ पढ़िए, देखिए मोबाइल पर कितना आराम से पढ़ सकते हैं, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, पूरा इसमें कवर नहीं किया। अब देखिए फ्रेंड, एक चीज़ को समझिए, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है ADEM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। ADEM आपको देखिए, इसके वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, इससे कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में ही बताया है। अगर आपने लग्जमबर्ग जाने का प्लान बनाया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस साइट को अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि ये साइट ही आपको लग्जमबर्ग में जेन्युइन जॉब दिला सकती है। देखिए जॉब सीकर्स यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, और भी चीज़ें मैंने आपको अपने वीडियोज़ में बताई हैं, आप न्यूज़पेपर में ढूंढ सकती हैं कौन कौन सी कंपनीज़ वहाँ पे अच्छी अच्छी हैं, उनकी एक बार लिस्ट देख लीजिए। ये लिस्ट है उनकी, देखिए जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करके उनके गूगल, उसको वेब सर्च मारिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसमें कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस में आपको करके दिखाता हूँ। समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहली कंपनी ली कैक्टस, जो फूड रिटेल की कंपनी है। ये देखिए यहाँ पर कैक्टस दिख रहा होगा आपको, कैक्टस को मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार गूगल पे सर्च मारूंगा, ठीक है। कैक्टस लग्जमबर्ग डाल दीजिए आप, ठीक है, कैक्टस लग्जमबर्ग आपने डाला, देखिए ऐसी साइट यहाँ पे खुल जाती है। आप कैक्टस पे क्लिक करिए एक बार, जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने पूरा पेज आपका कैक्टस का खुल जाएगा। वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक तरह से सुपरमार्केट की कंपनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए कैक्टस सुपरमार्केट कंपनी है। अब सोचिए सुपरमार्केट में कितनी जॉब्स निकल सकती हैं फ्रेंड्स। आप इस पे आके कॉन्टैक्ट इसमें जाइए, वहाँ पे ईमेल में अपना CV रिज्यूमे भेज दीजिए, वो लोग आपको पक्का रिप्लाई करते हैं। अब देखिए कौन कौन से सेक्टर हैं जो लग्जमबर्ग में टॉप पे चल रहे हैं, जहाँ पे आपको सोचना चाहिए जॉब करने के लिए। ये देखिए ये सारे सेक्टर्स हैं, फाइनेंस हो गया आपका, उसके नीचे देख सकते हैं आप, ये सेक्टर्स टॉप पे चल रहे हैं अभी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा चांस है आपको जॉब मिलेगा, फिनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी। जॉब सैलरीज अगर आप देखेंगे, जॉब सैलरीज का क्या है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 18 साल से ऊपर हैं तो क्या है, उसके बाद का देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए भाई, लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जो आपकी मेहनत को टेस्ट करेगी। अगर आप मेहनती नहीं हैं, अगर आप मतलब ये सोच रहे हैं कि एजेंट मुझे लेके दे देगा पहुंच जाएंगे, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। लग्जमबर्ग में आपको अपने दम पे मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, टूरिस्ट वीज़ा पे लग्जमबर्ग जाइए, टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए। जाने के पहले यहाँ से होमवर्क करिए, सारे एम्प्लॉयज़ को मेल करिए, अपना CV कवर लेटर भेजिए। एक बार आप जब लग्जमबर्ग पहुँच जाएंगे, उन सारे एम्प्लॉय से मिलिए जिन एम्प्लॉयज़ को आपने मेल किया हुआ है, ठीक है। अच्छी मेल बनाइए, बढ़िया सी मेल बनाइए जो आई कैचिंग हो, जिसको पढ़ के एम्प्लॉयर को अच्छा लगे, ठीक है। अच्छी इंग्लिश में लिखिए, 5-6 एम्प्लॉयज़ को भेजिए, यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पहुँचिए, सारे एम्प्लॉय से मिलिए। अगर आपका CV अच्छा है, अगर आपने मेल अच्छी लिखी है, एम्प्लॉयर आपको पक्का टाइम देगा, आपसे बात करेगा। अगर आपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस किया, एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट भी कर लेगा और सारा काम एम्प्लॉयर खुद करके देगा, और क्या होगा, आपका टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। लग्जमबर्ग के लिए ये करिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयर्स ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेल भेजिए, टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, यहाँ से पहुँचिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड, बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, न्यूज़पेपर्स, लग्जमबर्ग के जो न्यूज़पेपर हैं टॉप के, वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, न्यूज़पेपर से जॉब ढूंढिए, न्यूज़पेपर से जॉब ढूंढिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स इतने अच्छे अच्छे हैं लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग टाइम्स हो गया और भी बहुत सारे, वहाँ से आप अगर आप क्लासिफाइड सेक्शन में जाके जॉब लेते हैं, देखते हैं, तो जॉब होती हैं सबसे पहले बहुत जेन्युइन होती हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, और अप्लाई करना आसान होता है, कि बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए, आप इस मौके को देख के चौका मारिए और क्लासिफाइड से जॉब उठाइए, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लग्जमबर्ग में क्या होता है, आपका कवर लेटर। जब आप ईमेल पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से अपना कवर लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ईमेल करें फ्रेंड्स, अच्छी इंग्लिश में करिए,
ग्रामर सही रखिए, अपनी कीवर्ड्स यूज करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लग्जमबर्ग का सपना देख रहे हैं लग्जमबर्ग जाने का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टूरिस्ट वीज़ा पे लग्जमबर्ग जाइए, कम पैसे में जाइए, अपनी किस्मत बनाइए। ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराइए और आप देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। आपको गाइडेंस चाहिए फ्रेंड्स, मेरे पास गाइडेंस आइए, बहुत ही मिनिमल चार्ज मैं करता हूँ गाइडेंस देने का। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मिनिमल चार्ज करता हूँ गाइडेंस का, आप आइए, हम आपको ए टू जेड गाइड करके देंगे कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी बेस्ट है लग्जमबर्ग में आपके लिए, आपके टैलेंट, स्किल, एजुकेशन, हुनर के हिसाब से कौन सी एजेंसी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, हम आपको गाइड करके बताएंगे ताकि आप जब जाएँ तो आपका काम वहाँ पर आसान हो जाए। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल बनवानी है, हम पूरी फाइल भी बना के देते हैं, आपके घर पे कुरियर करते हैं फाइल। ठीक है, तो ये सब काम आप हमसे करा सकते हैं फ्रेंड्स। टेक केयर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, फिट रहिए फ्रेंड्स। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी आप कोई भी टाइप का वीज़ा ले सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।